दोस्तों, अगर लाइट वेव है तो ब्लैक होल बनता कैसे है? ग्रेविटी उसको रोक कैसे लेती है? उसको वापस खींच कैसे लेती है? पार्टिकल है तो समझ में आता है, वेव के केस में क्या करेंगे? देखें इस वीडियो में आगे। दोस्तों, आई वेलकम यू ऑन द यूट्यूब चैनल। मैं तुम्हारा मेंटर दोस्त मनीष पुरोहित, आई एम अ फॉर्मर साइंटिस्ट फ्रॉम इसरो। राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग द हिस्ट्री ऑफ ब्लैक होल्स। चालू करें दोस्तों। तो पिछले वीडियो में दोस्तों अपन ने ये देख लिया था कि न्यूटन से लेके आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी के बीच में क्या क्या हुआ, ठीक है? उसका लिंक वी विल प्रोवाइड यू द लिंक। जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो पिछला वीडियो देख लें, जिससे कि वो कंटिन्यू कर सके कॉन्सेप्ट को। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि हो क्या रहा था। हो ये रहा था कि फिर से अगर मैं मेरा माउस उठाऊं और मैं इस माउस को ऊपर फेंकूं तो ये नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक पार्टिकल मान लेता हूं मैं इसको, ठीक है? लाइट की जब मैंने बात करी थी तो अपन ने देखा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण जो लाइट है, अगर वो पार्टिकल नेचर की है तो वो ऊपर जाके नीचे आ जाएगी। इसको अपन एक दूसरे तरीके से समझते हैं दोस्तों। कैसे? मान लो ये मैंने माउस को हाथ में पकड़ा हुआ है और जब मैं इसको छोड़ता हूं तो ये नीचे गिरा। क्यों गिरा नीचे? क्योंकि यहां पे इसकी जो वेलोसिटी थी वो जीरो थी, तो अर्थ ने इसको नीचे खींच लिया। लेकिन जब मैं इस माउस को नीचे से ऊपर फेंकता हूं तो ये उस पॉइंट पे जाके वापिस आने लगता है जहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो होती है। तो अगर मैं दूसरे तरीके से देखूं दोस्तों, तो ये है कि जो मेरा माउस है, अगर मैं उसको फोटोन मानूं, पार्टिकल मानूं, लाइट के अंदर का एक पार्टिकल मानूं, तो वो इंटरैक्ट कर रहा है, उसके ऊपर एक रिटार्डिंग एक्सेलरेशन लग रहा है, उस पर एक फोर्स लग रहा है जो कि उसको एक रोक देता है। किसी एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है और वहां से वो नीचे गिर जाता है। यानी फोटोन की स्पीड चेंज हो सकती है अगर कोई बाहर से फोर्स उसको खींच रहा है या धक्का दे रहा है। तो दो बात हुई। पहली बात तो ये हुई कि भाई फोटोन जो है उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं। दूसरी बात ये कि इस पे कोई अपर लिमिट नहीं है। क्यों? यानी फोटोन को मैं और जोर से धक्का दूंगा तो पता नहीं वो इन्फिनिटी की स्पीड से जा सकता है। पहली चीज तो हुई ना। दूसरी, मैं उसको रोक दूंगा तो वो एकदम जीरो स्पीड पे आ सकता है। ये दोनों ही चीजें कैंसिल हो जाती है अगर मैं रिलेटिविटी की बात करूं। आइंस्टीन ने बोला कि भाई रिलेटिविटी की थ्योरी के हिसाब से जो लाइट है उसकी स्पीड होगी फिक्स। इट डजंट मैटर कि आप ट्रेन में हो कि प्लेन में हो कि आप रॉकेट में हो या किसी और गैलेक्सी में हो, स्पीड ऑफ लाइट फिक्स कर दी गई। मतलब यह है कि अगर ये मेरी स्पीड ऑफ लाइट वाला फोटोन है तो पहली बात तो ये रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि स्पीड जीरो हो ही नहीं सकती, इसकी स्पीड कांस्टेंट है। यानी जब मैं इसको छोड़ूंगा, यानी जब मैं लाइट जनरेट करूंगा, जैसे कि राइट नाउ स्विच ऑन अ बल्ब इन योर रूम, यू विल फाइंड कि लाइट हर डायरेक्शन में भाग रही है, ग्रेविटी उसको खींच नहीं रही। मतलब क्या हुआ? मतलब ये नहीं हुआ कि अगर तुमने सामने से टॉर्च यूं छोड़ी तो लाइट के फोटोन गिरते नहीं है जमीन पे जाके, दे जस्ट कंटिन्यू, राइट? लेकिन अगर पार्टिकल है तो फेंकूंगा तो गिर जाने चाहिए थे। सही बात है ना? तो ये छोटी मोटी चीजें थी। लेकिन हाँ, हुआ क्या यहां पे? यहां पे दिमाग को सोचना पड़ गया। तो ब्लैक होल बनेगा कैसे यार? अगर पार्टिकल है तो बनेगा कैसे? अगर वेव है तो कैसे बनेगा? मैं कैसे एक्सप्लेन करूं पार्टिकल है कि वेव है? लेकिन कहीं ना कहीं आइंस्टीन जो था उसको भी स्पेकुलेशंस थी। ही वॉज नॉट वेरी श्योर, ही वॉज नॉट रेडी टू कमिट अबाउट दी ब्लैक होल्स। बट रिलेटिविटी थ्योरी वॉज जस्ट फैसिनेटिंग और वो सबको माननी पड़ी और सबने उसको बहुत सराहा। तो अब समझते हैं अपन कि क्या था रिलेटिविटी में, ठीक है? तो आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी ने एक अलग पिक्चर दी हमें। उसने बोला, थ्योरी ने बोला कि जो पूरा ये यूनिवर्स का सेटअप है, इसको ऐसे देखो जैसे कि स्पेस और टाइम इंटरवोवन है। यानी मैं स्पेस में अगर कुछ खिलवाड़ करूंगा तो टाइम के साथ कुछ चेंजेस होंगे। कैसे समझे अपन इसको? तो ऐसे समझेंगे अपन इसको कि मान लो मेरे पास एक इलास्टिक मेम्ब्रेन है जिसको मैंने स्ट्रेच आउट कर रखा है। वो हो गया एक सेटअप, कॉस्मिक सेटअप। उसके अंदर मैंने अलग अलग प्लैनेट्स लाके, सन, स्टार, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, गैलेक्सी, सब उसके ऊपर लाके रख दी। जो जितना भारी है वो उतना ज्यादा उस पर्टिकुलर इलास्टिक मेम्ब्रेन को नीचे दबाएगा। कैसे दबाएगा? तो कुछ ऐसे दबाएगा। अब यहां देखें अगर अपन, तो सन जो है अगर वो उस मेम्ब्रेन को दबाता है तो थोड़ी सी डिफॉर्मिटी आई। व्हाइट ड्वार्फ सन से थोड़ा ज्यादा भारी है तो उसने ज्यादा दबाया। न्यूट्रॉन स्टार और भी ज्यादा भारी है तो उसने इसको और दबाया। ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार का भी बाप है बड़ू, तो वो इसको और नीचे दबा देगा, ठीक है? अब यहां पे क्या बात हुई? यहां पे जो सबसे बड़ी टेंशन दिमाग में आ गई आइंस्टीन के केस में कि भाई अगर सारी इक्वेशन, 10 फील्ड इक्वेशन थी, सारी की सारी इक्वेशन सही है, रिलेटिविटी की थ्योरी भी सही है, ये जो सारा पिक्चर दिखाया गया ये भी सही है, ये प्रूव भी हो चुका है, तो अगर यहां पे ब्लैक होल में जो मास है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पे यू हैव ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वॉल्यूम बट यू हैव अ फाइनाइट मास, मींस द डेंसिटी इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। उस पॉइंट का नाम दिया जाता है दोस्तों सिंगुलैरिटी।
सिंगुलैरिटी कैसा वर्ड है जो अलग अलग फील्ड में यूज होता है। सिंगुलैरिटी का मतलब यह है कि कोई भी चीज अगर इंफिनिटी की साइड निकल जाए उसको सिंगुलैरिटी कहते हैं। अपने केस में डेंसिटी सिंगुलैरिटी की साइड चली गई, यानी जीरो वॉल्यूम में थोड़ा भी मास आ गया, तो मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, यानी डेंसिटी होगी इनफाइनाइट। ये जो चीज थी ये फिजिसिस्ट के लिए नाइटमेयर था। इवन फॉर द आइंस्टीन, आइंस्टीन हैज टू होल्ड हिमसेल्फ बैक कि कमिट करना है कि नहीं करना। ये सब कब हो रहा था दोस्तों? ये हो रहा था 1915 में, जब थ्योरी आई उस पर बातें चल रही थी। बट देन व्हाट हैपन्ड, द फियर ऑफ सिंगुलैरिटी केम बैक विद फुल विगर। कैसे आई? देखें हुआ क्या। 1916 में आइंस्टीन की इक्वेशन को यूज करके जर्मन फिजिसिस्ट कार्ल श्वार्जचाइल्ड ने कैलकुलेशन करी। किसकी कैलकुलेशन? आइंस्टीन ने अपनी फील्ड इक्वेशन से सोल्व करके बताया था मरकरी की पोजीशन के बारे में, कि मरकरी की जो पोजीशन है जो कि न्यूटन के लॉ नहीं बता पा रहे, मेरी इक्वेशन प्रिडिक्ट कर पा रही है, लेकिन थोड़ा बहुत एरर था। श्वार्जचाइल्ड ने एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर डाली और चिट्ठी लिख दी आइंस्टीन को कि लीजिए सर, हैव फन। आइंस्टीन ने बोला वाह यार, दैट्स रियली कूल। ठीक है, बट यही नहीं रुके श्वार्जचाइल्ड। श्वार्जचाइल्ड कंटिन्यूड, एक कदम आगे निकल गए और उनने कैलकुलेशन कर डाली श्वार्जचाइल्ड रेडियस की। श्वार्जचाइल्ड रेडियस क्या है दोस्तों? श्वार्जचाइल्ड रेडियस जो है ये एक कैलकुलेटेड रेडियस है कि भाई अगर इतने के अंदर मास को मैं कन्फाइन कर दूं तो क्या होगा। ठीक है, तो थोड़ा पीछे आके देखें अपन इस फिगर को। देखो ये, देखो ये अर्थ है दोस्तों, अपना नीला ब्लू प्लेनेट, जो कि अपन बहुत सारी फोटो तुम देखते होगे, चांद से देख रहे हो नीला प्लेनेट दिख रहा है। लेकिन अगर मैं अपने अर्थ को स्क्वीज इन कर दूं 0.7 इंच, 0.7 इंच के अंदर पूरे अर्थ को स्क्वीज इन कर दूं सारे मास को, इट विल बिकम अ ब्लैक होल। दैट्स व्हाट द श्वार्जचाइल्ड रेडियस वाज, यानी अर्थ का जो श्वार्जचाइल्ड रेडियस है वो तकरीबन मान लो 1 इंच के आसपास है। 1 इंच से अगर अंदर आ गए तो अर्थ ब्लैक होल बन जाएगी। यानी अगर अर्थ को स्क्वीज करके पिंग पोंग टेबल टेनिस वाली बॉल बना दूं मैं, तो मैं अर्थ को ब्लैक होल बना दूंगा। यानी इतना ज्यादा जो स्पेस टाइम फैब्रिक है इतना डिफॉर्म हो जाएगा कि अगर उसके अंदर लाइट गई एज अ वेव तो बाहर नहीं निकल पाएगी, क्योंकि कुएं में गिर गई। ठीक है, लेकिन अगर अर्थ का जो रेडियस है बास्केटबॉल की साइज जितना मैंने रखा श्वार्जचाइल्ड रेडियस जो है, तो अर्थ का अगर डायमीटर बास्केटबॉल की साइज का यानी श्वार्जचाइल्ड रेडियस से ज्यादा है, तो भी मेरे को चांद पर अगर मैं खड़ा हूं तो मेरे को मेरा नीला प्लेनेट दिखेगा, वो रोशनी को रोक नहीं पाएगा। ये थी श्वार्जचाइल्ड रेडियस की कैलकुलेशन। ठीक है, तो बात ये सब क्यों हो रही थी? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बताना था कि भाई इफ इज इट पॉसिबल कि क्या मैं रोशनी को रोक सकता हूं, सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करती है क्या। और इसी बीच में जब ये सारी चीजें चल रही थी 1930s में, अपने चंद्रशेखर सर और आर्थर एडिंगटन का एक बहुत ही रोचक एपिसोड है, वो भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, मेरे यूट्यूब वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आई विल गिव द लिंक फॉर दैट ऑल्सो। यहां पे हुआ क्या था, चंद्रशेखर सर ने कैलकुलेशन करके बता दिया था कि देर इज अ लिमिट किस बारे में, क्योंकि उस वक्त तक ये माना जाता था कि जो भी ये स्टार्स वगैरह हैं ये मोस्टली दे आर मेंट टू जस्ट डाई एज अ वाइट ड्वार्फ। लेकिन चंद्रशेखर सर ने ये कैलकुलेट करके बताया कि भाई ऐसा नहीं है, देर इज अ लिमिट, 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन इज द लिमिट। अगर उससे नीचे हो तो आप वाइट ड्वार्फ रह जाओगे, अगर आप उसके ऊपर निकल गए तो कुछ और होगा। इवन चंद्रशेखर सर ने भी ज्यादा इस पे इंसिस्ट नहीं किया कि ऊपर चले जाएंगे तो क्या होगा, ही डिडंट कैलकुलेट दैट थिंग। क्यों? बिकॉज देर वॉज सम अदर इशूज इन्वॉल्व, बिकॉज देर वॉज अ फाइट बिटवीन एडिंगटन एंड चंद्रशेखर सर। एडिंगटन वॉज अ वेरी बिग नेम दैट टाइम एंड ही वॉज नॉट रेडी टू गिव इन। चंद्रशेखर सर से हार नहीं मान रहे थे, माना गलत थे लेकिन हार नहीं मान रहे थे। एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी दोस्तों, ये 1930s की बात है, जब लोगों को ये लगने लगा था कि हो सकता है शायद जो अपने एडिंगटन जी हैं इनको सवाल समझ में नहीं आया, इसलिए ये जो भी आंसर दे रहे हैं वो अनटसेंट दिए जा रहे हैं। और लेकिन हुआ क्या, उस सारी चीजों के बीच में चंद्रशेखर सर ने अपना बेस ही चेंज कर दिया था। वो जब अपने ब्रिटिश में इंग्लैंड में जब रिसर्च कर रहे थे, वहां से वो उठ के यूएस आ गए थे। बट देन ग्रेजुअली सब बातें हुई जब, तो 1983 में उनको नोबेल प्राइज मिला एंड ही गॉट द रिकॉग्निशन फॉर हिज वर्क। बट देन दैट वाज हैपनिंग इन 1930s, 1930s में ये कैलकुलेशन हो चुकी थी। अपने ब्लैक होल से इसका क्या लेना देना है आगे देखते हैं। ब्लैक होल से ये लेना देना है कि जो चंद्रशेखर सर की जो इक्वेशंस थी और जो श्वार्जचाइल्ड रेडियस की कैलकुलेशन थी, जो रिलेटिविटी थ्योरी की कैलकुलेशंस थी, उन सब को लेके अ वेरी बिग नेम जे रॉबर्ट
ओपन हीमर सब जानते हो, आप सब लोग जानते हो ओपन हीमर को, फॉर सम अदर वेरी गुड रीजंस, ठीक है. ही कैलकुलेटेड एंड ही सॉ दैट यस देर इज अ पॉसिबिलिटी विच इज कॉल्ड न्यूट्रॉन स्टार्स. क्योंकि उस वक्त तक, ये वो इस टाइम की बात है जब न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वाली न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हो चुकी थी और न्यूट्रॉन स्टार्स प्रपोज हो गए थे. न्यूट्रॉन स्टार्स क्या थे? व्हाइट ड्वार्फ से काफी भारी, ब्लैक होल से थोड़े हल्के, ठीक है. वो तो जब ओपनहाइमर ने कैलकुलेशन करी तो ही प्रूव्ड दैट जस्ट लाइक देर इज अ लिमिट फॉर द व्हाइट ड्वार्फ, देर इज अ लिमिट फॉर द न्यूट्रॉन स्टार ऑल्सो. एंड ही फर्दर कैलकुलेटेड एंड ही प्रूव्ड दैट सिंगुलैरिटीज एग्जिस्ट मैथमेटिकली. एंड यहां पे सब गड़बड़ हो गया. बट देखो बहुत ही शानदार चीज क्या लिखा हुआ है. डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्लैक होल, अ ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्लैक होल वॉज गिवन बाई ओपनहाइमर इन अ वेरी ब्यूटिफुली रिटन रिसर्च पेपर. बट पेपर वॉज पब्लिश्ड ऑन 1st of September 1939 एंड दैट वॉज द डे वेन वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड एंड दैट्स ऑल. द होल थिंग जस्ट वेंट समवेयर इन द वर्ल्ड वॉर. लेकिन एक और बात है दोस्तों यहां पे जो बहुत कम लोगों को पता है, ये वही टाइम था जब एल्बर्ट आइंस्टीन ट्राइड टू डिस्प्रूव दिस थिंग. एंड ये कहा जाता है कि दैट वॉज द वर्स्ट वर्क ऑफ आइंस्टीन बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू डिस्प्रूव समथिंग दैट इवन हिज थ्योरी प्रपोजेस. एंड नो वन नोज कि ऐसा क्यों कर रहे थे आइंस्टीन. मे बी बिकॉज सिंगुलैरिटी पे कमिट करने से डर रहे थे, राइट. तो ये माना जाता था दोस्तों उस वक्त कि इफ यू आर इंसिस्टिंग ऑन एग्जिस्टिंग ऑफ ब्लैक होल्स एंड ऑल दैट थिंग, आप अपने पूरे जो करियर को जियो पैराडाइज कर दोगे, खतरे में डाल दोगे, ठीक है. ओके आगे बढ़े अगर अपन तो 1967 का टाइम आ गया दोस्तों, 1939 यू सी दिस, बिकॉज बीच में वर्ल्ड वॉर आ गया तो एनी वे सो मेनी थिंग्स वुड हैव जस्ट यू नो वैनिश्ड इन बिटवीन दैट ड्यूरेशन. जब वापस से धरती पे नॉर्मल चीजें चालू हुई होगी वर्ल्ड वॉर टू के बाद, सो 1967 में ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं उनको क्रेडिट जाता है न्यूट्रॉन स्टार के बारे में बात करने के लिए. उनने क्रेडिबल एविडेंस दिया कि हाँ न्यूट्रॉन स्टार एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन क्या ना, उनको पता नहीं था कि वो न्यूट्रॉन स्टार हो सकता है. वो क्या कर रहे थे, बस रीडिंग ले रहे थे स्पेस से कुछ. उनको एक सिग्नल आया, उनको लगा ओ दिस माइट बी सम फ्रॉम एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल सिविलाइजेशन, जादू, ठीक है. तो लिटिल ग्रीन मैन वन नाम दे दिया, बट एक्चुअली पता चला उनको कि वो जो था वो एक न्यूट्रॉन स्टार था. यानी एक एक करके चीजें प्रूव होने लग गई है. मेरे को न्यूट्रॉन स्टार मिल गया है जिसकी एग्जिस्टेंस पे सवाल था. अगर न्यूट्रॉन स्टार एग्जिस्ट कर रहा है, यानी व्हाइट ड्वार्फ के लिए जो लिमिट थी, जो एक लिमिट दी गई थी कि व्हाइट ड्वार्फ जो है उसकी एक लिमिट है, चंद सेकंड लिमिट, वो भी वैलिड है. यानी धीरे धीरे वी आर मूविंग टुवर्ड्स मैथमेटिकली ये प्रूव करने की ब्लैक होल हो सकते हैं. ओके लेकिन दोस्तों टिल 1967 द वर्ड्स दैट वर यूज्ड टू डिनोट ब्लैक होल वॉज डार्क स्टार्स, कोलैप्सार्स, ग्रेविटेशनली कंप्लीटली कोलैप्स्ड ऑब्जेक्ट्स. ब्लैक होल वर्ड तब तक नहीं यूज होता था. एक्चुअली इसके पीछे भी एक कहानी है. कहानी क्या है, 1963 में एक साइंस राइटर है मार्शिया, एंड शी यूज्ड द वर्ड ब्लैक होल इन हर आर्टिकल्स फर्स्ट टाइम. लेकिन शी वॉज नॉट क्रेडिटेड फॉर दैट बिकॉज उनकी कमांड साइंस पे नहीं थी. वो एक राइटर थे तो नहीं गया उनको क्रेडिट. बट जॉन व्हीलर, ही वॉज अ वेरी बिग फिजिसिस्ट एंड ही इज क्रेडिटेड फॉर द वर्ड ब्लैक होल. तो ब्लैक होल जो है, जो अपन बोलते हैं, वो ना न्यूटन ने बोला, ना आइंस्टीन ने बोला, ना ओपनहाइमर ने बोला, ना डिरैक ने, ना पोली ने, इन किसी ने नहीं बोला. ब्लैक होल वर्ड आया ऑडियंस की साइड से. एक टॉक शो चल रहा था जो अपने जॉन व्हीलर हैं, ही वॉज डिस्कसिंग समथिंग एंड देन ऑडियंस में से किसी ने बोला कि ये क्या, ये ब्लैक होल हो सकता है. एंड देन द वर्ड ब्लैक होल पिक्ड अप एंड दैट वॉज द ईयर 1967. तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जो ब्लैक होल की हिस्ट्री की सीरीज है. उसके अंदर अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बची हुई है कि ब्लैक होल जो है वो साइज कैसी होती है, उसकी उसकी डेंसिटी कितनी होती है, वो शेप में कैसा होता है, पता कैसे चलता है, व्हाट अबाउट द रेडिएशन, कैसे दिखता है, कहाँ है, अर्थ के पास है क्या, अपनी गैलेक्सी में है क्या, अगर है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा. ये सारे मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों. तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ. अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर से शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके जरूर बताओ कि हाउ डू यू फाइंड द वीडियो. और अगर तुम्हारे कोई भी सवाल है यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन. तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद.